ये स्वर्गीय देवेंद्र प्रताप सिंह सेवा संस्थान के द्वारा किया गया है, रिक्रिएशन क्लब बारीडी में। ये संस्था हम लोग देवेंद्र प्रताप सिंह के 28वें पुण्यतिथि पे कर रहे हैं रक्तदान का आयोजन। ऐसे संस्था को बने हुए करीब 12 साल हो गया है। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। इस साल हम लोग रक्तदान शिविर कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप जी के बारे में कुछ अच्छाई बताइए, समाज जानेगा। देवेंद्र प्रताप सिंह आरा जिला के निवासी हैं, कुल्हड़िया के रहने वाले हैं और इनके पिताजी के जो थे उपेंद्र नारायण सिंह, वो अंग्रेज शासन काल में जज थे। ये स्टेट परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग के परिवार के जस्टिस केवीएन सिंह बिहार के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके उतने बड़े पद के उनको सम्मान करते हुए आप लोग लगातार, हम लोग 12 साल से कभी रक्तदान शिविर, कभी नर नारायण भोजन, सामाजिक कार्य जो भी होता है उनके पुण्य तिथि पे करते हैं, करते आ रहे हैं। उनसे क्या चीज सीखना चाहिए समाज को, आगे आगे बच्चे हमारे जनरेशन? देवेंद्र प्रताप सिंह से समाज को जो उनका रहन सहन का तरीका था, जिस पे कहा गया है सादा जीवन उच्च विचार, जिस परिवार से वो बिलोंग करते थे लोग ये कहते थे कि माने लगता ही नहीं है कि इतने ऊंचे परिवार के वो व्यक्ति हैं। इतना सादा सिंपल रहते थे और उनका भी जो जीवन शैली का तरीका था, जब भी वो पटना आते थे अपने गांव से, महावीर स्थान एक वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे गरीबों में कंबल बांटना, भोजन करवाना, होटल खाली करवा के गरीब नीचे क्यों खाएगा, चलो होटल में बैठ के खाओ लोग खाना, ये सब उनका उद्देश्य था। तो उनसे लोग को सीखना चाहिए कि माने प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग उनका सोच था। कितने यूनिट आप लोग अभी तक ब्लड डोनेशन हो चुके हैं? अभी तक सुबह से 20 यूनिट करीब ब्लड हो चुका है और हम लोग का 150 यूनिट का टारगेट है। क्या बोलना चाहेंगे पूरे जमशेदपुर वासियों को? बोलेंगे कि रक्तदान एक महादान है और इसको करने से कोई शरीर में खराबी नहीं है। लोगों में जो आडंबर फैला हुआ है कि रक्त देने से कमजोरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रक्तदान देना चाहिए। और हम लोग के पास भी जमशेदपुर वासियों से हम आह्वान करते हैं कि जब भी खून की आवश्यकता जमशेदपुर या जमशेदपुर के बाहर कहीं भी अगर जो पड़े तो हम लोग को ज़रूर मेरे फ़ोन नंबर पे और संस्था को याद करें। हम लोग कलकत्ता, हैदराबाद, जमशेदपुर हर जगह ब्लड मुहैया कराते हैं निःशुल्क। क्या हुआ सर? मैं सुधीर कुमार सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह का लड़का हूं और देवेंद्र सेवा संस्थान का मुख्य ट्रस्टी संस्थापक अध्यक्ष हूं। हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह मेरे ससुर जी हैं और सुन के हमको उनका बहुत सारा खूबी, जब मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मतलब बहुत अच्छे और सीधे साधे वो इंसान थे, मैंने तो देखा नहीं पर सुन के बहुत अच्छी लगी। लेडीज को भी रक्त देना चाहिए, इतना क्यों महत्वपूर्ण है? माने रक्तदान तो एक महादान है, यदि जिसके पास दे सकता है, सक्षम है, उसे देना चाहिए क्योंकि इससे ज़िंदगी बचती है किसी के भी, और ये किसी के भी काम है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि वैसा मौका मिले हम लोग को। अपने नाम परिचय? मैं उनकी बेटी हूँ, देवेंद्र प्रताप सिंह की, कामनी सिंह नाम है मेरा।
क्या क्या किया पापा का जो आपको याद आता है? बहुत सीधे हम लोग को कभी आ सके डांटे भी नहीं, कभी ऊंचे आवाज में हमने उनका बात नहीं सुना कभी भी। माँ भले डांटती थी लेकिन पापा कभी हम लोग को नहीं डांटते। उनका क्या चीज़ अच्छा है कि हर बेटी को सीखना चाहिए? उनमें कुछ बुराई ही नहीं थी हमारे समझ से, मैंने कुछ ऐसा नहीं था जो उनसे नहीं सीखे और उनको काट सके, बस इतना ही कहूँगा। और अच्छे पढ़े लिखे भी थे, मतलब सब कुछ था उनमें, मतलब हमारी नज़र से उनमें कोई गलत चीज़ नहीं था जिसको कोई कह सके। उनका घर में आता था हेल्प मांगने के लिए तो क्या? हाँ, वो तो उसके लिए तो हमेशा खड़े रहते थे गरीब लोग। हाँ, वो हमेशा गरीब लोग के लिए, चाहे कोई भी ज़रूरतमंद के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। वो अपना नहीं सोचते थे कि हमारे पास है दो पैसा कि नहीं, बस अगला को देने के लिए वो आगे रहते थे। और मेरे समझ से उनमें काटने वाली कोई चीज़ नहीं थी जो हम बताएं कि उनका आई गुण है ये।